नमस्कार दोस्तों। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, ये तो कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज मेरे साथ वही हो गया है कि मैं इतना सतर्क होते हुए काम करता हूँ, फिर भी जो है मेरे साथ ये दुर्घटना हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये सीआरटी का जो है हालत हुआ है, इस टेबल से नीचे गिर गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी सतर्कता पूर्वक जो है ये काम करता हूँ, और क्यों ना करूँ, सभी करते हैं। और जहाँ तक 20-22 साल के तजुर्बा में आज तक मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं हुआ था जो आज हो गया है। मैंने टीवी चालू कर दिया था, कंप्लीट ओके हो गया था, और कैबिनेट में इसका मदरबोर्ड सेट करते वक्त जो है ये इस तरह से इसका मदरबोर्ड मेरे हाथ में चिपक गया कि जब तक नीचे टीवी गिरा नहीं और टूटा नहीं, जब तक ये करंट मेरे को झटका लगता रहा। और वो कारण इस वजह से लगा था दोस्तों कि हम आप सभी समझते हैं कि जो टीवी अभी कॉर्ड होता है सेटअप बॉक्स से आया हुआ, वो इनपुट में लगा हुआ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैबिनेट सेट कर सकते हैं टीवी का। तो वही मैं कर रहा था, लेकिन दोस्तों मुझे उसी सेटअप बॉक्स के कारण से ये झटका लगा है। तो मैंने कहा जो आप सभी दोस्तों को भी सतर्क कर देता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि हम आप चाहते हैं, जानते हैं कि हमने टीवी का प्लग निकाल दिया है तो हमें करंट नहीं लगेगा, अब हम बेफिक्र होकर के इसका कैबिनेट सेट कर सकते हैं, मदरबोर्ड इसके कैबिनेट में सेट कर सकते हैं और स्क्रू लगा सकते हैं। तो वही मैं कर रहा था, बाद में मुझे पता चला कि मेरा जो सेटअप बॉक्स का पावर सप्लाई है ये फ्री टू एयर का, मैं सेटअप बॉक्स यूज करता हूँ अपने टीवी को चेक करने के लिए, तो वो पावर सप्लाई डैमेज हो गया था, इस वजह से जो है सप्लाई अनबैलेंस हो गया और इस टीवी के माध्यम से मुझे झटका लग गया। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ये काम करें तो सतर्कतापूर्वक करें, और यही जानकारी थी। धन्यवाद।